टू माई चैनल तो इस वीडियो में प्लाज्मा तो आप चारों के चारो वीडियोस इस वीडियो, इस वीडियो में हम देखने वाले इंट्रोडक्शन टू तो प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स और मेनली हम इसमें मल्टीपल माइलोमासिस तो वॉट वा, वा, इज प्लाज्मा सेलिएटेड दिफ्रेंश, दिफ्रेंश, फ्रॉम बिलिम्फोसाइट पहले प्लाज्मा सेल होता क्या है बिल्फोसाइट पॉलीफ्रेट इनटू प्लाज्मा सेल और वो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है तो बी लिम्फोसाइट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टिव बी लिंफोसाइट वो रिएक्टिव बी लिंफोसाइट कैसे बनता है जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन पेप्टाइड्स को बी लिंफोसाइट को प्रेजेंट करता है और टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को प्लाज्मा सेल कन्वर्ट होने में हेल्प करता है तो रिएक्टिव बी लिम्फोसाइट कन्वर्टेड इंटू प्लाज्मा ब्लास्ट प्लाज्मा ब्लास्ट इज 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 कन्वर्डेंट टू प्लाज्मासाइट प्लाज्मासाइट इज कन्वर्डेंट टू प्लाज्मा सेल वो वही प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी सीक्रिट करता है तो हमने ये देखा कि प्लाज्मा लिफोसाइट बिल इम्फोसाइटिस कन्वर्टेड इन टू प्लाज्मा सेल नेक्स्ट वॉट आर द फंक्शन ऑफ़ प्लाज्मा सेल प्लाज्मा सेल का फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ़ इमनोग्लोबिल्स और एंटीबॉडीज़ हमने देखा है ना प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और रोल इन एडाप्टिव ह्यूमन रेस्पॉन्स तो दो होते हैं इन्ट इट इम्यूनिटी और रेकॉर्ड इम्यूनिटी इन्ट इन्ट में तो सिर्फ फिजिकल फिजोलॉजिकल सेलुलर साइटोकन साइटोकन आते हैं तो एडेप्टिव में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस लाइक ए सेलमिडेटेड एंड ह्यमरल इम्यूनिटी तो सेल मीडिएटेड इज़ बाय टी लिम्फोसाइट एंड ह्यूमरल इज़ बाय बी लिम्फोसाइट वो बी लिम्फोसाइट में प्लाज्मा प्लाजास के एंटीबॉडीज प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे एडेप्टिव इम्यूनिटी लिखा हुआ है नेक्स्ट व्हाट इज एंटीबॉडी 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 में दो लाइट दो लाइट चेंस होते हैं यहाँ पर एक यहाँ पे एक दो लाइट लाइटजेंट और ये हैवी चेंस ये दो, दो हैवी चेंट्स और दो लाइट चेंस इसको बोलते हैं एच टू एंड एल टू तो यहाँ पे वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन वेरिएबल रीजन ऑफ़ हैवी चेन यहाँ पे एंटीजन होकर बाइंड करता है मतलब एंटीजन है आप देख सकते हो वेरिएबल रीजन एंटीजन बाइंडिंग साइट और एक कॉन्स्टेंट रीजन कॉन्सटेंट रीजन मतलब वो वेरी नहीं करता तो एंटीबॉडी क्या है एंटीबॉडी प्रोटीन ही है तो प्लाज्मा सेल यही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी के पाँच टाइप्स है जी ए एम डी -E. ई वॉट आर प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स प्रोलिफुलेशन ऑफ द बी बी सेल क्लोन दैट एंड सीक्रेट ए सिंगल होमोजीनियस इमिन एंड इट फ्रेगमेंट लाइट चेन और हैवी चेन तो आप यह देखिए पहले बी सेल एक बीसेलेशन ऑफ बी सेल एक बी बी सेल सेल है वो बी सेल एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है तो ये यह बीसेल मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे बहुत सारे बी सेल बनाता है और वो सारे बी सेल सेम काइंड ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं वो एंटीबॉडी मोनोक्लोनल होता है मतलब सेम काइंड एक स्पेसिफिक एंटीजन के प्रति बाइंड होता है इनको मोनोक्लोनल कहते हैं वो 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 एंटीबॉडी क्या है प्रोटीन ही है तो वो सारा प्रोटीन प्रोटीन मिलके क्या बनाता है यम यम कंपोनेंट और यम प्रोटीन बनाता है और वो एंटीबॉडी में भी दो दो चैन होता है लाइट चेन और हैवी चेन अगर लाइट चेन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो लाइट चेन होगा अगर हैवी चेन है तो हैवी चेन तो ये बी सल रिजल्ट रिजल्ट इन अकोमिलेशन अकोमिलेशन ऑफ मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन इन द सीरम एंड यूरिन मोनोक्लोनल मतलब सेम काइंड ऑफ एंटीबॉडीज इन द सीरम एंड यूरिन दिस ग्रुप द ग्रुप एज अ होल इज नोन एज वेरियस इनोमिन सच एज प्लाज्मा सेल डिसकेरियसिस डिस का नाम पैराप्रोटिनेमियस डिस एंड मोनोक्लोनल गामापैथीस तो ये तो इस uh, प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स है मल्टीपल माइलोमा लोकलाइज प्लाज्मासाइटामा वैनस्ट्रॉन्स माइक्रोग्लोबिन में हैवी चैन डिसऑर्डर्स एंड प्लाज्मा एमलोडोसिस तो इस वीडियो में सिर्फ हम मल्टीपल माइलोमा देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में आप बाकी बाकी के प्लाज्मा सेल डिरेस देख लेना नेक्स्ट मल्टीपल माइलोमा मल्टीपल माइलोमा इज अ मो मल्टीफोल मैलिग्नेट ऑफ द प्लाज्मा सेल्स डिराइड फ्राम सिंगल क्लोन ऑफ सेल्स मतलब एक एक बी सेल है वो डिवाइड डिवाइड होके बहुत सारे बी सेल कर देगा और वो प्लाज्मा सेल्स बन के बहुत सारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा वो एंटीबॉडी क्या है प्रोटीन है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में एकोमलेट होगा और उस उसको एम कॉम्पोनेंट है यम प्रोटीन बोलते हैं वो और मोनोक्लोल रहता है मतलब सेम काइंड प्राइमली अफेक्ट्स एल्डरली पीपल एंड इंक्रीजिंग इंसिडेंस विथ एज एज बढ़ने के साथ मल्टीपल माइलोमा बढ़ता है नेक्स्ट मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल्स next what is the etiology of multiple myeloma first is radiation exposure radiation exposure large dose exposure to the radiation with a, la a long latent period has been seen in myeloma survivors of nuclear attack in the world war ii developed myeloma about 20 years later तो एक क्लिनिकल केस दिया जाएगा ऐसे कि मतलब पेशेंट न्यूक्लियर न्यूक्लियर नु, न्यूक्लियर वार से जोन से है नहीं तो वो एक्सरे डिपार्टमेंट से मतलब वो रेडिएशन से कंटिन्यूसली एक्सपोज हो रहा है तो एक मल्टीपल माइनों में डिफ्रेंशल डायग्नोसिस बन सकता है नेक्स्ट इज एपेटामोजिकल फैक्टर हायर रिस्क हायर रिस्क इन ब्लैक्स ब्लैक्स आकोमलेनल एक्सपोजर टू द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद हायर इंसिडेंट्स तो एक है रेडिएशन एक्सपोजर नेक्स्ट नेक्स्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स next karyotyping abnormality translocation of uh, 11th translocation between the 11th and 14th chromosome that is long chain of 13th and, and long chain of 30 32th chromosome on the chromosome next next is uh, a translocation between 4 and 14th 14th chromosome that is long uh, short chain of uh, 16th and long chain of 32nd or deletion of 13q uh, long chain ट्रांसलोकेशन की वजह से हो सकता है नहीं तो डिलीशन की वजह से अब uh, आ सकती है तो मल्टीपल मैलम दिखाई देता है नेक्स्ट इज ऑंको ऑंकोजींस एंड एंटी ऑकोजेंस ओवर एक्सप्रेशन ऑफ एम वाई सी एंड रास ग्रोथ प्रोमोटिंग ओंकोजींस म्यूटेशन प्री फिफ्टी थ्री एंड टी बी ग्रोथ सप्रेशर जीन्स तो तो आप ये देख लीजिए एम वाई सी और रा, रास क्या है ग्रोथ प्रोमोटिंग ऑनको जींस है ग्रोथ प्रोमोटिंग मतलब ये सेल साइकिल और सेल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और तो बहुत सारा बहुत जल्दी सेल ग्रोथ करने लग जाता है नेक्स्ट म्यूटेशन पी फिफ्टी थ्री आर बी जीन इज नोन है तु, 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 आ, ग्रोथ सप्रेसर जीन्स। मतलब पी फिफ्टी थ्री क्या है रेगुलेटर है सेल साइकिल रेगुलेटर मतलब सेल सेल साइकिल में कोई भी अबनॉर्मलिटी आ जाए वो सेल को अपॉप्टोसिस की तरफ बढ़ा देता है नहीं तो सेल को डिवाइड मल्टीप्लाई होने से रोक देता है ये पी का फॉम Next, what is molecular pathogenesis? Cell surface adhesion molecules bind myeloma cells to the bone marrow, stromal cells, and extracumular matrix proteins. Binding triggers adhesion mediated signaling. Mediates produces several cytokines by the fibroblast and macrophages of the marrow. Release interleukin 6, wedge F, transforming growth factor, and tumor necrosis factor alpha. तो सेल सरफेस सदेशन मोलिक्यूल बोल के रहते हैं वो माइलोमा माइलोमा सेल्स मतलब प्लाज्मा सेल्स और बोन मेरा सेल्स दोनों को अटैच होते हैं और और एक्स्ट्रा मैट्रिक्स प्रोटीन भी रहते हैं बाइंडिंग टिगर सदेशन मीडिएटेड सिग्नलिंग वो वो दो वो, प्लाज्मा सेल और प्लाज्मा uh, सेल और बोन मैरो मैरोमोसेल बाइंड होने की वजह से cell, एक सेल मीडिएटेड सिग्नल प्रोड्यूस होता है वो भी मैरो सेल में और वो बोन मैरो सेल फाइब्रोब्लास्ट के जरिए बहुत सारे साइटोकेंस रिलीज करता है वो साइटोकन्स इंटरल्यूकिन सिक्स वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा ये ये और ये सारे साइटोकन्स अपने एक्शन प्रोड्यूस करते हैं अदेशन मीडिएटेड सिग्नलिंग अफेक्ट सेल साइकिल वीआ साइक्लिन डी एंड पी ट्वेंटी वन काजिंग अब नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ माइलोमा प्रोटीन्स ये साइक्लिन डी क्या है सेल साइकिल में हेल्प करता है नेक्स्ट अबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ माइलोमाप्रोटीन्स मतलब बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं इंटरलोकिन्स साइटोकॉन काजेस पॉलिफेशन ऑफ ट्यूमर सेल्स या एंटी अपोप्टोफिक इफेक्ट ये इंटरलोकिन सिक्स एक ऐसा साइटोकॉन है जो सेल को अपोप्टोसिस से बचा बचा लेता है मतलब अपोप्टोसिस होने से रोक लेता है इंटरलोकिन सिक्स याद रखिए एंटी अपोप्टोफिक इफेक्ट साइटोकन एक्ट ऐसा ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटर फैक्टर और, और साइटो और दूसरे साइटोकैंस भी है वो क्या करते हैं ऑस्टिओक्लास एक्टिवेटिंग फैक्टर मतलब बोन रिसॉप्शन बढ़ाता है बढ़ा देता है तो मतलब मल्टीपल माइलोमा में बोन रिसॉप्शन दिखाई देता है मतलब बोन मास कम हो जाता है मतलब बोन बोन में लाइटिक लाइटिकलीशनस दिखाई देने लग जाता है नेक्स्ट इंटरलोकिन वन लिफोटॉक्सिन और वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर माइक्रोफेजीनिवेटरी फैक्टर वन अल्फा एंड ट्यूमर माइक्रोसिस फैक्टर ये सारे हैं तो आप ये डायग्राम में देख लीजिए तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे एक प्लाज्मा सेल है नेक्स्ट बोन मेरोस्टोम सेल्स दोनों में अधेशन मोलिक्यल्स है वो आदेशन मोलिक्यूल्स की वजह से बाइंड होने की वजह से आदेशन मीडिया आदेशन मीडिएटेड सिग्नलिंग होगा और प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस साइटोक बोन मेरो सेल साइटोकाइन मीडिएटेड सिग्नलिंग ये दो होते हैं नेक्स्ट इंटरलोकिन वन एंड इंटरलोकिन वन एंड लिम्फोटोक्सिन माइक्रोफेजेस इनिबिटरी वन एंड रैंक लेग एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा ये क्या कराता हैं ऑस्टोक्लास एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड बोन बोनी डिस्ट्रक्शन मतलब लाइटिक लाइटिक्लीशन दिखाई दे सकता है किन की वजह से ये 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 जो है ना ये ये जो इंटरलुकि वो सब दिखाई उनकी वजह से बोन मैरोस्टोक्लास एक्टिवेटिंग फैक्टर है बोन बोनी डिस्ट्रक्शन होता है नेक्स्ट है इंटरलोकि सिक्स इंटरलोकि सिक्स मैंने बोला था ना एंटीअपोक्टोफिक अफेक्ट एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिन डी एंड पी ट्वेंटी एक्टिवेशन डी एंड पी ट्वेंटी वन जो साइक्लिनडी हेल्प्स इन सेल साइकिल मतलब सेल साइकिल को बढ़ा देता है इसलिए बहुत सारे पोलिफुलेशन पॉलिफुलेशन ऑफ पोलिफुलेशन ऑफ सेल्स होगा और सर्वाइव ऑफ द सेल्स वो सेल्स सर्वाइव करके बहुत सारा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है वो प्रोटीन्स यूरिन और सीरम uh, में दिखाई देने लग जाता है इसकेमेटिक डायग्राम ऑफ शोइ मोलिकुलर पैथोजोनिस ऑफ मल्टीपल माइलोम एंड इस मेनर मेजर मैनीफेस्टेशन तो यहाँ पे मल्टीपल मेलोमो का यूटियोलॉजी पैथोजोनिस खत्म हो गया तो इसलिए इसके अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत